दोस्तों बॉलीवुड का दमदार एक्टर रणदीप हुड्डा से तो आप वाकिफ जरूर होंगे। इन्होंने काफी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम को पाया है और वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लीन लेश्राम से शादी करके चर्चे की हिस्सा बने हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे रणदीप हुड्डा की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको भी रणदीप हुड्डा पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 20 अगस्त सन 1976 को हरियाणा रोहतक की जसीसा गांव में हुआ था और 2023 के हिसाब से रणदीप हुड्डा अब 47 साल का हो चुका है। दोस्तों रणदीप के पिताजी मिस्टर रणबीर हुड्डा प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। रणदीप का जन्म भले ही हरियाणा की रोहतक में हुआ था लेकिन इनका पालन पोषण और परवरिश इनके नानी के पास हुआ है। दोस्तों रणदीप को बचपन से ही खेल कूद से बहुत ज्यादा लगाव था। इनको जब भी मौका मिलता था वो स्विमिंग, पोलो और इक्वेस्ट्रियन जैसे कई स्पोर्ट्स में आम तौर पर भाग लेता था। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले हरियाणा की मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में एडमिशन ली, जहाँ से इन्होंने स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ली। फिर इन्होंने न्यू दिल्ली अर्कीपुरम की दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन ली और वहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ली, जहाँ इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर पढ़ाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणदीप हुड्डा जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनके क्लासमेट्स उनको रणदीप डॉन हुड्डा कहकर बुलाते थे। दोस्तों रणदीप हुड्डा ने अपने दोस्त को एक बार सन 2001 में मानसून वेडिंग फिल्म के लिए ऑडिशन देने की बात की थी, लेकिन उस वक्त उनके दोस्त ने ना कहने के कारण उन्होंने अकेला ही इस फिल्म के लिए ऑडिशन दी और उनको इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर काम करने की मौका मिली। मानसून वेडिंग से फिल्मों में डेब्यू करने के बाद रणदीप हुड्डा को काफी पहचान मिली और इनको दूसरी फिल्मों में काम करने की ऑफर भी आना शुरू हो गई। दोस्तों इन्होंने सन 2005 में फिल्म दी, सन 2006 में डरना जरूरी है, सन 2007 में रिस्क, सन 2008 में रूबरू और सन 2009 में कर्मा और होली जैसे कई फिल्मों में एक अहम किरदार निभाया है। लेकिन इनको असली पहचान तब मिली जब इन्होंने सन 2010 में बॉलीवुड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में काम की, जहां उन्होंने एसीपी अग्निल विल्सन की किरदार निभाई। फिर इसके बाद रणदीप हुड्डा सन 2011 में साहेब बीवी और गैंगस्टर, सन 2012 में जन्नत 2, सन 2014 में हाईवे और कीक और सन 2015 में मैं और चार्लिस जैसे कई फिल्मों में नजर आई। दोस्तों आप लोगों को रणदीप हुड्डा की एक्टिंग कैसी लगती है ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलिए बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों रणदीप के पिताजी के नाम है रणबीर हुड्डा और माताजी के नाम है आशा हुड्डा। दोस्तों इनका एक भाई है जिसका नाम है संदीप हुड्डा और एक बहन है जिसकी नाम है अंजलि हुड्डा। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा फिलहाल मैरिटल स्टेटस की ओर से मैरिड है। इनके वाइफ के नाम है लेन लेश्राम, जिनसे इन्होंने 29 नवंबर सन 2023 के दिन शादी के बंधन में बंधी है। चलिए बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रणदीप के पास पहला कार है एक मर्सिडीज बेंज GLS जिसकी कीमत है 1,70,00,000 रुपए। दूसरी कार है एक मर्सिडीज बेंज GL 350 CDI जिसकी कीमत है 1,40,00,000 रुपए। और इसके अलावा इनके पास है एक महिंद्रा बोलेरो, एक टोयोटा क्राउन और एक महिंद्रा जीप कार। दोस्तों इसके अलावा रणदीप के पास है एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक जिसकी कीमत है करीबन 7,00,000 रुपए। वही बात करें इनके मनी फैक्टर के बारे में तो आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा एक फिल्म में काम करने के लिए फीस की तौर पर करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और वही बात करें टोटल नेट वर्थ के बारे में तो 2023 के हिसाब से इनका टोटल नेट वर्थ है करीबन 80 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी रणदीप हुड्डा की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।